हरे कृष्णा, वेलकम अगेन इन माय चैनल वृंदावन कुंज गली। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल वृंदावन कुंज गली में। तो गाइज, आज फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी पे लेके हम आप लोगों को जा रहे हैं जो कि जहाँ पे आपकी आध्यात्मिक शांति आपको बहुत महसूस होगी, जहाँ पे मानसिक शांति के लिए लोग रहना चाहते हैं और जो एक्चुअल ब्रज है वो वहाँ बसता है। तो उस जगह का नाम है गोकुल। तो उसके विषय में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि ब्रज 84 कोस से आने वाली समस्त प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको समय समय पे हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने गोकुल धाम, जो कि कहा जाता है कि जहाँ पे कृष्ण को छुपा कर लाया गया था माँ यशोदा के पास। तो उस पवित्र पावन भूमि पे हम लोग आज आपको अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे प्लॉट्स है, जो हमारी साइट है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी खुद की साइट है, तो ओवरऑल 10 एकड़ का साइट बना हुआ है। उसकी उस जगह लोगों का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है कि गोकुल रमन रीति में मंदिर के परिसर के पास, मंदिर के आसपास हमें एक प्लॉट चाहिए, 100 गज का टुकड़ा मिल जाए, ताकि वहाँ जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने बचपन में अपने पैरों के निशान जहाँ छोड़े हैं, जहाँ प्रभु ने लीलाएं करी हैं बचपन काल में, अपने बाल काल में, उस अध्यात्म जगह पे आपको एक सुंदर अपने लिए घर बना सके, उसके लिए एक प्लॉट आपको मिल जाए, ऐसी पावन भूमि पे हम आपको आज दर्शन कराएंगे। और उसी जगह हम अपनी साइट लेके आए हैं, ताकि जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है कि गोकुल में हमें कोई साइट चाहिए, गोकुल में हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल मंदिर परिसर, जो रमन रीति मंदिर है, जो उसके बिल्कुल नज़दीक है। और इवन जो वहाँ पे रसखान जी हैं, जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े मुस्लिम भक्त थे, उनकी भी समाधि है, उनकी समाधि हमारे प्रोजेक्ट से हमारे बिल्कुल अटैच्ड है। तो अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे टेम्पल से हमारे प्रोजेक्ट्स का वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 500 मीटर का है, जिसमें आपने सुना होगा गोकुल के अंदर जो ब्रज रेत है वहाँ का, वो श्री कृष्ण के पैरों के द्वारा, मतलब पैर उस पे श्री कृष्ण चले हैं, तो उसमें लोग लेटा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस ब्रज की रेत को जब हम अपनी बॉडी से लगाते हैं तो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग अगर होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा लोगों की मान्यता है, और लोग उसमें अपना घर भी बनाते हैं, जो ये कामना रखते हैं कि हमारा घर जीवन में जल्दी बने, तो वो वहाँ पे घर भी बना के जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मान्यता रखते हैं, जो आध्यात्मिकता है वहाँ पे, जो शांति का वातावरण है, जो फील होता है। तो उसी पावन भूमि पे हम आपको आज एक न्यू प्लॉट दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए, और वहाँ की साइट लोकेशन हम आपको प्रॉपर अपने वीडियो के माध्यम से विजिट कराते हैं। सो मिलते हैं आपको साइट पे। हरे कृष्णा। सो गाइज, ये है हमारी लैंड। ओवरऑल लैंड का साइज हमारा 10 एकड़ का है। अभी ये एक प्लेन लैंड है, क्योंकि इनिशियली अभी हमने ये स्टार्ट किया है फेज अपना, और इसमें अभी हमारा सारा प्लॉटिंग होना जो है वो बाकी है। धीरे धीरे इसमें सारा डेवलपमेंट का काम हम लेके चल रहे हैं। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं, जो ये एक्चुअल में गोकुल का परिक्रमा मार्ग है, गोकुल का वो परिक्रमा मार्ग जिस पथ पे आके लोग अपना परिक्रमा करते हैं, गोकुल के उसी परिक्रमा मार्ग में हमारे बीचों बीच ही सोसाइटी है। तो अभी सोसाइटी के फ्रंट से हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी वॉल, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो कृष्ण भक्त रसखान जी की समाधि है, उस समाधि की और हमारी सोसाइटी के बीच की जो दीवार है, वो सामने आपको समाधि दिख रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको आगे ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत अप होने वाले हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ये है आपकी रमन रीति की पार्किंग। अब हम रमन रीति पे ही खड़े हैं बिल्कुल, और यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हमारा प्रोजेक्ट है। ये आप रमन रीति के मंदिर का फ्रंट देख रहे हैं, ये पूरा वो रोड है, ये रोड पूरा रेतीला रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो रज है, यहाँ पे इस क्षेत्र में सारा आपको रेत मिलेगा, केवल समुद्र का रेत। तो बेसिकली यहाँ से इस टी पॉइंट से हमारा
300 मीटर का रेडियस है, जो 300 मीटर का डिस्टेंस है हमारी सोसाइटी का। बहुत सेंट्रलाइज लोकेशन है। सबसे पहले तो आप रमन दीति के पास में हैं, एंड सेकेंडली 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आप सारी चीज़ें मतलब कवर अप कर लोगे, जैसे रमन रीति हो गया आपका, और रसखान प्रभु रसखान जी की समाधि हो गई, चिंताहरण महादेव हो गया। ये आप सामने देख रहे हैं, ये रमन रीति का मेन गेट है, और इसके जस्ट अपोजिट ही इनका जू है, जिसके अंदर काफ़ी हिरन वगैरह इसमें हैं, और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे तादाद में देखने इनको आती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें संडे सैटरडे की, तो यहाँ बहुत क्राउड रहता है। अगर आप विजिट कभी प्लान कर रहे हो तो हमें पहले एक दिन पहले इन्फॉर्म करें। और ओवरऑल जो साइट लोकेशन है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा ही रहा हूँ। अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमारे द्वारा बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड जैसे वृंदावन में रहता है, सेम क्राउड यहाँ पे भी रहता है। इसीलिए मैं वीडियो में आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स डे बाय डे इंक्रीज़ होने वाले हैं, डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पे किसानों से लैंड हमें बहुत कॉस्टली मिल रहा है, क्योंकि तादाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो अगर आप लोग अभी ये विचार कर रहे हैं और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह देखना चाह रहे हैं जहाँ पे ब्रज की आध्यात्मिक शांति आपको लेनी है, आध्यात्मिक शांति में आपको वास करना है, तो उसके लिए सबसे अलौकिक और सबसे आध्यात्मिक शांति वाली जगह यही है। मैं दोबारा से आपको रसखान समाधि का परिसर दिखा रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, जहाँ पे मुझे जाके एक बहुत आध्यात्मिक शांति महसूस हुई है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको वीडियो में वो चीज़ दिखा रहा हूँ। गोकुल के रसखान समाधि, जहाँ रसखान समाधि स्थित है गोकुल रमन रीति में, आज हमें उसमें बैठने का अवसर मिला है। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलौकिक शक्ति, जो एक आध्यात्मिक शांति है, वो हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। हमारे सामने कीर्तन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इस गोकुल समाधि यानी रमन रीति में जो हमारे रसखान जी की समाधि है, जो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, जो कि पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन कुछ अपने परिवार के चलते हुए कलेशों के कारण वो ब्रज में आज के बस गए थे, और यहाँ पे उन्होंने कृष्ण की अपार लीलाओं का मतलब अपने कानों से सुना, उन्हें संतों के द्वारा महसूस किया, जिस कारण उनकी भक्ति बहुत प्रबल हो गई थी, बहुत प्रभु के प्रति उनकी भक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। उन्हीं की ऐसे महापुरुष की समाधि यहाँ पे बनी हुई है, और इसी समाधि से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे मात्र हमारी सोसाइटी है, जहाँ पे हम अपना पूरा एक रेजिडेंशियल जोन बना रहे हैं, और इसी समाधि से लगता हुआ आपको रमन रीति मंदिर है। तो ये वास्तविकता है कि यहाँ पे अगर कोई रहता है तो ये मान के चलिए वो कृष्ण की गोद में है साक्षात, क्योंकि कृष्ण ने इस भूमि पे अपने जो पग चले हैं, इस ब्रज रज में जो उन्होंने खेला है, उस ब्रज रज को आप महसूस कर सकेंगे हमारी इस सोसाइटी के माध्यम से। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ब्रज के अंदर रहना चाहता है और ब्रज के अंदर ब्रज कृष्ण की लीलाओं को महसूस करना चाहता है, तो गोकुल रमन रीति से अच्छी आध्यात्मिक जगह आपको मिल रही है, कोई और नहीं हो सकता। तो आप आइए और अपने प्लॉट की बुकिंग करिए। हरे कृष्णा। शरण में बुला लो, शरण में। ये हम रसखान जी की समाधि के प्रांगण में हैं, और इस प्रांगण से लगती हुई हमारी ये सोसाइटी है। आप यदि देखोगे तो ये सोसाइटी की हमारी वॉल है, जो बिल्कुल रसखान समाधि से अटैच्ड है। ये रहा, और ये हमारा सामने रोड का काम चल रहा है, ये सामने हमारी साइड पे रोड का काम चल रहा है, और ये रही आपकी रसखान समाधि का जो पूरा प्रांगण है, जो पूरा एरिया है, उसमें हम हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद एक अलग अलौकिक अनुभूति मुझे हुई है। मन अंदर से इतना प्रफुल्ल है, बहुत ज़्यादा, कि मैं पहले क्यों नहीं आया इस जगह।
हालांकि प्रोजेक्ट के ज़रिए हमें मौका मिला है, लेकिन यदि आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अपना प्लॉट लेते हैं, तो मैं यही बोलूँगा सच्चे मन से, ब्रज की रज में खड़ा हूँ, कि आप एक मतलब साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की आप गोद में हो। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्लॉट की बुकिंग जल्द से जल्द कराइए। अब हम चिंताहरण महादेव पर खड़े हैं, जो बिल्कुल यमुना किनारे हैं, और चिंताहरण महादेव की दूरी हमारे प्रोजेक्ट से, जैसे मैंने आपको बताया, मात्र और मात्र 2.5 किलोमीटर की है। सामने वो लाल कलर का जो मंदिर है, वो चिंताहरण महादेव है, बिल्कुल यमुना तट के किनारे है। ऐसा कहा जाता है कि जब जब हमारे कृष्ण भगवान ने मट्टी खाई थी और पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखाया था, तो वो चिंता में चली गई थी, तो उनकी चिंता का हरण करने के लिए महादेव ने यहाँ पे स्थान दिया था। तो ये स्वतः शिवलिंग यहाँ पे निकली हुई है, जो कि कहा जाता है कि कोई भी अपनी मन की चिंता यहाँ पे लेके आता है, तो उसका हरण प्रभु भोलेनाथ करते हैं। तो ये बिल्कुल यमुना किनारे, मतलब आप अगर इस जगह हमारी इस प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट रूप से तो ये इन्वेस्टमेंट रहेगा ही बहुत अच्छा, बट कोई रेजिडेंशियल रूप से लेना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रज की उस रज में जहाँ पे कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, कृष्ण ने अपना बाल जीवन बिताया है, उस जगह आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। गाइज, आप हमसे प्लॉट लें या ना लें, लेकिन मेरे कहने से एक बार इस स्थान पर ज़रूर आए, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान के परम भक्त रसखान जी, जिनकी समाधि पे हम आज खड़े हैं, उनकी समाधि के दर्शन हमें हुए हैं। और आप इस जगह पे अगर आते हैं, तो इस जगह पे आपको एक अलौकिक दर्शन, एक अलौकिक चीज आपको अनुभूत होगी। और जो यहाँ का प्रांगण है, वो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। मेरा मन तो मतलब यहाँ से जाने का नहीं कर रहा, बहुत अलौकिक का आनंद आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्लॉट लेना लें, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे ज़रूर आएँ। और हमारे जो सामने इसके रमणनीति मंदिर है, जहाँ पे आपने सुना होगा अक्सर की हाथी के द्वारा वहाँ पे आरती होती है, जो हाथी है वो चमर लाता है जब आरती होती है। तो यहाँ आने के बाद हमारा बहुत बोलते हैं कि जीवन सफल हो गया, क्योंकि गुरु गोकुल की हम उस ब्रज रज में खड़े हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाओं बाल लीलाएं करी हैं, अपना माँ के साथ यशोदा मैया के साथ खेले हैं, अपना जीवन काल बिताया है। तो ब्रज का ये बहुत अच्छा और अनुभूत जगह है, जहाँ पे आपको एक अलौकिक अनुभूति होगी। बार बार इस शब्द को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि अगर आप ब्रज में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी इस प्रांगण के जिस बगल से ही है, मतलब जो बीच में दीवार है, इस दीवार आप आते हैं तो आपको रसखान जी की समाधि का जो प्रांगण है वो पूरा है, रमन रहती है सामने। और यदि आप उस पार जाते हैं तो हमारी सोसाइटी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो आने वाले सालों में इसका जो रेट है वो ट्रिपल डबल तो जाएगा ही जाएगा। ये मैं मिनिमम आपको एक रिटर्न बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन प्लेस पे रहना, कि जहाँ पे कृष्ण रहे हो, हमें वहाँ पे रहना है, तो उसके प्रॉस्पेक्टिव से बहुत अच्छी है। और अगर कोई व्यक्ति कभी कभी आना चाहता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा अपना फॉर्म हाउस डिज़ाइन कर लूँ, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप चारों तरफ देखोगे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इतना हरियाली है चारों तरफ, हर कदम पर यहाँ पेड़ है। और कुछ पेड़ों की तो मतलब जो वो इतने पुराने हैं, ऐसा लगता है कि वो कृष्ण काल से 5000 वर्ष पुराने ही पेड़ लगते हैं वो। तो आप आएँ और हमारे इस प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, एज ए रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। अगर आप रेजिडेंशियल में कम्प्लीटली रहना चाहते हैं, डिवाइन प्लेस पे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, हमारा खुद का भी इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम भी अपने भविष्य के लिए यहाँ पे एक बड़ा घर, बड़ा एक फॉर्म बना सके अपने लिए। पर्सनली हमने खुद भी अपने लिए रखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप गोकुल में हमारी इस प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें।